वहीं हरियाणा में महिला अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब नो की बात करें तो एक नाबालिग ने 2.5 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया है। आरोपी युवक पीड़ित बच्ची का पड़ोसी बताया जा रहा है। आरोपी पहले बच्ची को साइकिल पर बिठाता है, खेत में ले जाता है और उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। हालांकि नाबालिग आरोपी अब कानूनी शिकंजे में है और पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के नूह जिले में एक मासूम के साथ दरिंदगी की वारदात सामने आई है। इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाला और कोई नहीं बल्कि बच्ची का पड़ोसी ही था। मामला नूह के ताबड़ू थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 2.5 साल की एक बच्ची को आरोपी साइकिल पर बिठाकर खेतों में ले गया और फिर वहां दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। परिजनों को जब इस बारे में पता चला तो पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया और बच्ची का मेडिकल कराया गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल पीड़ित बच्ची के पिता ने आगे शिकायत की दी थी कि उसकी बच्ची के साथ गांव के ही एक बच्चे ने, जो उसका पड़ोस में रहने वाला है, ने दुष्कर्म किया है। और इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत उनकी कंप्लेंट लेकर FIR दर्ज की और FIR दर्ज करने के बाद बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया, कोर्ट के अंदर बयान करवाए और आरोपीगण की तलाश के लिए टीम गठित की थी। और आज जो आरोपी था जिसने दुष्कर्म को अंजाम दिया था, वो भी नाबालिग बच्चा ही पता चला है, उसको काबू किया है और उसकी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। नाइल ऑफिसर इस बारे में पूछताछ उससे कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह 11 बजे बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला 15 वर्षीय नाबालिग लड़का बच्ची को साइकिल पर बैठाकर कुछ दूरी पर खेतों में ले गया और काफी समय बाद जब परिजनों को बच्ची नहीं दिखी तो इधर उधर तलाश की गई। इस दौरान आरोपी लड़का बच्ची को साइकिल पर लाता हुआ दिखा। परिजन बच्ची को रोता हुए देख और कपड़े खून से लथपथ देख दंग रह गए। वहीं पीड़ित परिजनों ने जब आरोपी के परिवार वालों से बात की तो उन्होंने दबंगई दिखाते हुए उनसे झगड़ा किया और इसी दौरान पीड़ित परिवार ने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों ने पुलिस को इस पूरे मामले के बारे में अवगत कराया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तमाम साक्ष्य जुटा लिए हैं और साथ ही साथ साइकिल भी बरामद कर ली है। पुलिस का कहना है कि आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसे जुवेनाइल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, उसके बाद बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। जनता टीवी के लिए नूह से कासिम खान की रिपोर्ट।